हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, कैसे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, किस तरह जॉब सर्च कर सकते हैं और किस तरह आप को नोटिफिकेशन रेगुलर जॉब की आती रहेगी। दोस्तों, आज इंटरनेट का जमाना है और हर कंपनी जो है अपने रिक्रूटमेंट के लिए जो एडवर्टीजमेंट है वो जॉब पोर्टल्स पे देती है, वो वहीं से रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करती है। चाहे वो कंसल्टेंट हो, वो भी वेबसाइट पे जाकर कैंडिडेट्स की या जॉब सीकर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। और अगर आप जॉब सीकर हैं तो ये आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि आपका प्रोफाइल और आपका रिज्यूमे भी इन जॉब पोर्टल्स पे अपलोड रहें और विजिबल रहें, क्योंकि इससे ही आपकी विजिबिलिटी बनती है और आपको भी इन जॉब पोर्टल्स पर जाके जॉब सर्च करना चाहिए। क्योंकि अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड सेक्टर यहाँ पे जॉब अवेलेबल होते हैं और आप अपने वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। साथ ही जब कंपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाती है तो ये जॉब पोर्टल्स नोटिफिकेशन भेजते हैं और आपको इसकी जानकारी मिल जाती है अपने मोबाइल पे ही, और वहीं से आप उस कंपनी में, अगर वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब प्रोफाइल से मैच करता है तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिज्यूमे अपलोड करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इन सब के लिए कोई पैसा नहीं लगता। तो ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल भी है। जैसे भी आपका इम्प्रूवमेंट होता है एक्सपीरियंस में, क्वालिफिकेशन में, तो आप अपने रिज्यूमे को भी अपडेट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, ये अति आवश्यक है कि आज के डेट पे आज जितने ही जॉब पोर्टल्स हैं उस पे आप अपने आप को रजिस्टर करें और अपने रिज्यूमे को अपलोड करें, ताकि आपका जो विजिबिलिटी है, आपके प्रोफाइल की जो विजिबिलिटी है वो अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड अक्रॉस द कंट्री विजिबल हो, ताकि आप ये जॉब सीकिंग में आपको काफी सहूलियत हो। सच पूछिए तो जॉब पोर्टल एक इजीएस्ट वे है जॉब सर्च करने का और जॉब अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने आप को जॉब पोर्टल पे रजिस्टर करें। दोस्तों, आज जिस वेबसाइट यानी जॉब पोर्टल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है timesjob.com। हाँ दोस्तों, उसका नाम है timesjob.com। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा मैनेज एंड ऑपरेटिव होती है। ये पूरे इंडिया में और गल्फ कंट्रीज के जॉब के बारे में बताती है। ये जो तीन इंडिया के सबसे बड़े जॉब पोर्टल हैं उनमें से एक है। साथ ही आपको ये अक्रॉस द इंडस्ट्री जॉब का एडवर्टीजमेंट आता है इस पे, जिस पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने आप को इस पे रजिस्टर करें, अपना प्रोफाइल बनाएं और अपना रिज्यूमे अपलोड करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई फीस नहीं लगता। साथ ही मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसका इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी नोटिस जो कि वेबसाइट पे है उसे जरूर पढ़ें, ताकि आप किसी तरह के फ्रॉड से बच सकें और आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हमारे कुलीग और एक्सपर्ट मिस्टर नितिन आपको स्टेप बाय स्टेप इस पे रजिस्टर करना, अपना प्रोफाइल बनाना, रिज्यूमे अपलोड करना, आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगा, जॉब आप कैसे सर्च करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब की जानकारी देंगे। तो ओवर टू नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। आज हम बात करेंगे timesjob.com में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे रिज्यूम अपलोड करते हैं और कैसे जॉब पे अप्लाई करते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र पे। हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं। अब हम एड्रेस बार में timesjob.com टाइप करेंगे। ये हमने टाइप कर दिया है और इसके बाद फिर हम एंटर मारेंगे। ये timesjob.com की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आप इन सब कैटेगरीज में अपनी जॉब जो है ब्राउज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, तो यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ी वेबसाइट है ये। इंडिया की टॉप 3 साइट्स में ये आते हैं।
अब हम चलते हैं, हमने साइट का इंट्रोडक्शन देख लिया, इंटरफेस तो इसका होम पेज हमने देख लिया है, तो अब हम चलते हैं कि इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट, आप अपने टॉप राइट में देखेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का बटन है, आप हम इसमें क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और आपका जॉब फंक्शन और एक्सपीरियंस और करंट वर्किंग लोकेशन जो है कुछ डिटेल्स और आपका रिज्यूम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगेगा। तो अब हम चलते हैं, अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं। यहाँ आपने ईमेल आईडी डाल दी है और उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आप हमेशा अपना स्ट्रांग रखिए। अब दोबारा से कंफर्म पासवर्ड पर डालेंगे। यहाँ डालने के बाद फिर हम अपने मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जॉब फंक्शन पूछ रहा है आपकी कि आपकी जॉब फंक्शन जो है वो क्या है, तो हम यहाँ पे खोलते हैं। अब यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप मैन्युअली सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे हमने ऑनलाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग, MR, मीडिया प्लानिंग जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अब यहाँ पे जो है हमसे एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डाल दीजिए। ये तो मैंने आपसे एज आपके साथ डमी अकाउंट जो है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप अपनी यहाँ पे जो आपकी रियल है वो चीज़ें डालिएगा। आपका जितना एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे उतना एक्सपीरियंस ऐड डाल दीजिए, कि आपको एक साल का एक्सपीरियंस है, दो साल का एक्सपीरियंस है, तीन साल का एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक नंबर डाल देता हूँ और फिर आप यहाँ पे चलेंगे तो आपका लिख रहा है कि करंट वर्क लोकेशन, आपका करंट वर्क का जो लोकेशन है वो क्या है। तो आप यहाँ पे खोलेंगे तो आप वो यहाँ पे कुछ शहर मेट्रोज के दिख रहे हैं, ये यूनियन टेरेटरी के लोकेशन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम मेट्रो में यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे कहेगा कि आप अपना रिज्यूम इसके साथ अटैच कीजिए, तो आप इसको क्लिक करेंगे और अपना जो रिज्यूम है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो आपका जो रिज्यूम है वो अटैच हो गया है और अब यहाँ पे जो कंटिन्यू का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। ये कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पे नेक्स्ट जो हमारे पे खुलेगा पेज, उस पेज में ये हमारे को बोलेगा कि अपना प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कीजिए। तो हम यहाँ पे अपना प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले नाम मांग रहा है हमसे प्रतीक गहलोत, ये हमारे कलीग हैं, आज हम उनके नाम पे एक डमी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका जॉब फंक्शन जो था, जो मैंने सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है। और ये आप पूछ रहा है कि स्पेशलाइजेशन जो है आपका किस में है, तो आप अपना यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सर्च कर लीजिए कि यहाँ पे स्क्रॉल डाउन में हमारे पास क्या क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्केटिंग सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड जो है स्पेसिफिकेशंस जो हैं कुछ आ रही हैं, तो हम इनमें से हम एक को सेलेक्ट करना होगा। वैसे भी आपका अगर कुछ अलग क्या नाम है फंक्शन रूल है तो उसके हिसाब से अलग भी चीज़ें आ सकती हैं, तो हम यहाँ पे ये हम अदर मार्केटिंग मीडिया जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे हमसे जो एरिया स्पेसिफिकेशन है, अब ये पूछ रहा है कि आपकी क्या जो है स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। तो अब यहाँ पे हम अपनी स्पेसिफिकेशंस डालेंगे, ये ऑनलाइन मार्केटिंग, यहाँ पे मैंने क्या नाम है अपने स्पेशलाइजेशंस जिस पे जिन चीज़ों में है वो सब डाल दी है। फिर उसके बाद पूछता है कि आपका करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो क्या है, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो करंटली या करंटली अनएम्प्लॉयड हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसर हो या फ्रेशर हो या फुल टाइम करते हो। तो आप यहाँ पे फुल टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको अभी जो है वो डाल दीजिए कि आप क्या सैलरी यहाँ पे लेते हो। तो हम यहाँ पे वो जो सैलरी है वो डाल देते हैं। आप यहाँ पे आपका एक दो तीन जितना आप लेते हो आप उतना डाल दीजिए ना। यहाँ पे मैं ऐसे एक नंबर ले लेता हूँ। फिर आपसे पूछता है कि आप किस कंपनी के साथ अभी वर्किंग हो, आप किस कंपनी के साथ अभी वर्किंग हो, ये वो यहाँ पे आप मेंशन डालिए, मेंशन कीजिए। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ कंपनी का नाम डाल दिया। अब अपना रिज्यूम का जो टाइटल है वो यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हमने रिज्यूम का टाइटल भी डाल दिया है। और हम यहाँ पे की स्किल्स जो है हमारे
वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे की स्किल्स। अब यहाँ हमने जैसे ही क्या नाम है एक जो अपनी की स्किल्स डाले तो ऑटोमेटिकली हमारे को सजेशन में आ गए कि आपके साथ ये आपकी की स्किल्स भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यानी अभी यहाँ पे हम जो प्रोफाइल बना रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो जो स्किल्स होते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली सजेशन में हमको शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अपने जो आपको जिस भी जो भी आप प्रोफेशन का बनाओगे तो आपको भी अपनी क्या नाम है कैटेगरी के जो सजेशन यहाँ पे की स्किल्स होंगे वो आपको नज़र आएंगे। तो की स्किल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है आपकी क्या है, तो हम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे देंगे। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो सेलेक्ट कर लिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे कैप्चा मांगेगा, आप यहाँ पे कैप्चा फिल कीजिए। तो कैप्चा फिल करने के बाद जो है आपका एग्रीमेंट पे टिक होना चाहिए और फिर यहाँ पे जो है सबमिट का बटन आप क्लिक कर दीजिए। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी जो कि हमने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे अब ये कहता है कि आप अपनी ईमेल आईडी पे जाके आप मेल को जो है वेरीफाई कर दीजिए इस वेबसाइट को अपनी मेल से। तो हम चलते हैं अपनी ईमेल आईडी पे, वहाँ से कंफर्म करते हैं अपनी अकाउंट को, टाइम जॉब के अकाउंट को। ये अपने अकाउंट एक्टिवेट कर दिया है, अब ये मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब चलते हैं यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे और प्रोफाइल को एडिट करते हैं। प्रोफाइल को एडिट करने के बाद हम यहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि तो हमें अपना वैलिडेट करना है अपना फ़ोन नंबर, और जो हमारी ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी जो है वैलिडेट हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आएंगी, तो आप पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पे एडिट करके अपना अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे नाम चेंज हो गया है तो मैं यहाँ पे नाम जो है वो ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे जो थोड़ा चेंज हो गया था वो मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया है। यहाँ एड्रेस डालने के बाद अब यहाँ पे सेव का एक बटन है, उस सेव के बटन पे आप क्लिक कर देना। तो आप कह रहे हैं प्लीज़ एंटर ओनली नंबर, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ गलत हो गया तो हम इसको सही कर देते हैं। सही होने के बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेव हो गया, मेरी सारी डिटेल्स आ गई। यहाँ हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल डाल दी थी और यहाँ पे अभी जॉब कैटेगरी में दो चीज़ें रह गई थी, इंडस्ट्री और आपका करंट रोल। तो हम यहाँ पे एडिट के बटन पे फिर से क्लिक करेंगे और जो हमारी इंडस्ट्री थी ये अभी सेलेक्ट नहीं हुई थी, तो हम अपनी इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमको बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज शो कर रहा है, तो आप इसमें से किस इंडस्ट्री में काम करना पसंद करेंगे ये पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए और थोड़ा पेशेंटली इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपना जो इंडस्ट्री है वो सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड गैस, इक्विपमेंट, पेंट, तो इसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरी है। तो आप आराम से इसको देखिए, समझिए और फिर उसके बाद अपनी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कीजिए। तो हम इसमें से अपनी जो कैटेगरी है वो हम यहाँ पे आके सेलेक्ट करते हैं एजुकेशन, हमें मार्केटिंग की इंडस्ट्री जो है वो इससे सेलेक्ट कर रखी है। यहाँ पे अदर का भी एक ऑप्शन आया है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिख लेते हैं एजुकेशन। और हमारे से यहाँ पे जो जॉब रोल जो है वो पूछ रहा है कि आप किस जॉब रोल पे यहाँ पे रहना चाहते हैं, मतलब कि जॉब करना चाहते हैं किस जॉब में। तो यहाँ पे आप हेड एडवर्टाइजर रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो है दी गई हैं, आप इसमें से जो भी आपके प्रोफाइल से मैच करता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आ गया मार्केटिंग रिसर्च का, तो हम ये रहा हमारा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। और आपका एरिया स्पेसिफिकेशन जो है वो सेलेक्ट है और यहाँ पे अदर स्पेसिफिकेशंस भी सेलेक्ट है। तो यहाँ पे सेव के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एजुकेशन आता है, एजुकेशन में आप यहाँ पे पूछ रहा है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तो हमने डाल दी थी, फिर यहाँ पे पूछता है कि आप जो आपका जो ग्रेजुएशन कोर्स था वो क्या था। तो आप यहाँ पे जो है अपना ग्रेजुएशन कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन कोर्स सेलेक्ट कर लिया। आपका क्या पासिंग ईयर क्या था आप वो सेलेक्ट कर लीजिए।
कि आप देखेंगे आपके आगे की भी डेट दे रखी है, इसलिए कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप कब करेंगे, मगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डाल दी है तो आपका कितने टाइम पहले ये हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करे थे पासिंग ईयर, और वो आपसे पूछ रहा है कि आपका कितना परसेंट डिवीजन था या कितने परसेंट मार्क्स से, तो आप यहाँ पे वो डाल के, और स्पेसिफिकेशंस पूछ रहा है तो स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपने किस स्पेशलाइजेशन में आपने जो थी ग्रेजुएशन की थी। तो हम यहाँ पे मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिए, और आपकी जो होगी वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका मतलब कोर्स किस टाइप का था, फुल टाइम पार्ट टाइम, या आपका जो था डिस्टेंस लर्निंग था, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम था, जो भी आपका जो था वो आप लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे फुल टाइम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी जो थी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो अब यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी डाल देते हैं, या दिल्ली दिल्ली आप यूनिवर्सिटी में डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो है कॉलेजेस के जो नाम हैं वो भी यहाँ पे शुरू आने आ गए हैं कि आपने किस से यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन किस कॉलेज से कंप्लीट किया। तो अपना जो कॉलेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे तो आप ऐड मोर ग्रेजुएशन भी और ऐड मोर पोस्ट ग्रेजुएशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि, और अपने जो आपने अदर प्रोग्राम या अदर कोर्सेज भी किए तो यहाँ पे अपडेट, तो आपकी जो एजुकेशन की जो डिटेल है वो दोनों ही अपडेट हो गई है। और यहाँ प्रिफरेंस पूछ रहा है कि आपकी प्रिफरेंस क्या है, यहाँ पे ड्रीम कंपनी आप डालिए, आपके प्रेफर्ड स्किल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वह प्रेफर्ड मतलब कि आपका डिज़ायर क्या है जॉब का, तो आप वो यहाँ पे फिल कर दिए। तो हम अभी इसको फिल नहीं करेंगे, ये हम इसके बारे में अपनी आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे, इससे पहले बहुत जो वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे अदर डिटेल में यहाँ पे लैंग्वेजेस आप क्या क्या जानते हैं वो बता दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपने रिज्यूम यहाँ पे अटैच किया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली जो है डिटेक्ट करके यहाँ पर आ गई है। तो हमने यहाँ पे आपका प्रोफाइल जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके होम पेज पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे होम पेज पे आ गए। अब हम यहाँ पे जो है अपने जैसे कि मुझको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की जॉब सर्च करनी है, अब हम जॉब सर्च करनी है, जॉब सर्च करना है और अप्लाई करना है, तो हम देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी डिजायर जॉब जो है वो उसका कीवर्ड यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे वो जॉब जो है दिल्ली में चाहिए, तो यहाँ पे मैंने दिल्ली NCR सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि गुड़गांव नोएडा में भी मिलेगी तो मुझे चलेगा। अब किस लेवल पे आपको चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस पे, 2 साल के एक्सपीरियंस पे, या एंट्री लेवल पे? तो मुझको मान लीजिए कि मेरा फ्रेशर का क्या नाम है वो प्रोफाइल है, और फाइंड जॉब पे क्लिक करूँगा। फाइंड जॉब पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है डिजिटल मार्केटिंग की जो जॉब है वो यहाँ पे दिखा रहा है, इन्फिनिटी ग्रुप, और यहाँ पे ये स्टारलेक्स लैब, बहुत सारी कंपनीज के जो है यहाँ पे जॉब जो है आ गए हैं। तो हम इस जॉब पे क्लिक करेंगे, एक नए टैब पे ये जॉब खुलेगी। तो यहाँ पे जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है, जॉब का फंक्शन क्या है और ये इंडस्ट्री क्या है, और स्पेसिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन उनको क्या चाहिए, क्या की स्किल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ने जो अपनी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मेंशन की हुई है, अगर ये आपकी प्रोफाइल से मैच करता है तो आप इस की जो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको ये जॉब में इंटरेस्ट है तो। आप यहाँ पे अप्लाई का बटन है, आप इस अप्लाई के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस जॉब, और नीचे जो है यहाँ पे सिमिलर जॉब्स इसी तरह की, यहाँ नीचे भी इसी प्रोफाइल की जॉब जो है वो शो कर रही हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि timesjob.com पे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं, और फिर कैसे जॉब सर्च करते हैं, और कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ये कहीं पर आपको दिक्कत हो या किसी और दूसरी वेबसाइट के बारे में जानना हो तो आप कमेंट पर लिख दीजिए, हम लोग उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको मिस्टर नितिन द्वारा बताए हुए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस
प्रोफाइल क्रिएशन, रिज्यूमे अपलोड, नोटिफिकेशन कैसे आएगा, ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी जिसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर स्क्रीन पर करके बताया। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपके लिए आपके सवाल का जवाब भेज सकें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि आपको ये क्यों पसंद आया है या हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे जो वीडियो हैं लेटेस्ट वो मिलता रहे। इसको शेयर करें क्योंकि हमारा मिशन ये है कि हम आप लोगों को जॉब पाने में मदद कर सकें, चाहे वो किसी तरह का जॉब हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, ऑनलाइन हो या फिर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई जानकार हैं जिनको इसकी ज़रूरत है और आपने इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड किया तो आप हमारे काम में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद।